बैठो। मैं तमाम आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि सच्चाई के लड़ाई में एक सच्चा इंसान को परेशान किया जाता है। अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि मेरे परिवार तक घर तक हर जांच की जा रही है कि इस व्यक्ति को कैसे फंसाया जाए। घर तक पुलिस प्रशासन का जाना, पूछना, कोशिश की जा रही है मुझे फंसाने के लिए, क्योंकि लगातार मैं आप लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। लेकिन जो बड़े लोग ये दिमाग में सोच रहे हैं कि जांच करवाने से या पुलिस प्रशासन को भेजने से या मैं डर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, कभी डरूंगा नहीं, किसी भी हालात के पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, मेरे ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं, मेरे ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को ऐसी स्थिति में साथ खड़ा रहना पड़ेगा, मेरे परिवार के साथ और मेरे साथ। हम तुम्हारे साथ हैं। कल से ही मुझे इनपुट मिल रहे थे, कल से ही मुझे बताया जा रहा था तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कल से ही मुझे बताया जा रहा था कि हर जगह हर व्यक्ति से कोशिश की जा रही है हर चीज का, यानी कि मुझे झुकाने के लिए, मुझे फंसाने के लिए अब मेरे खिलाफ साजिशें रची जा सकती है। साथियों, मैं जेल चल जाऊंगा, मर जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। उपेन भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उपेन भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मेरी ईमानदारी और मेरी सच्चाई से सवाल उठेगा, मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो 9 साल मैंने तपस्या की है, प्रदेश के 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिली है, और अब कोशिश की जा रही है कि जिस प्रकार जो आंदोलन, जिस प्रकार लाखों लोग उससे जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार जो हालात गंभीर होते जा रहे हैं, जिस प्रकार आपकी आवाज़ में बुलंद कर रहा हूँ, कोशिश की जा रही है कि इस आवाज़ को कैसे दबाया जाए। घर तक पुलिस प्रशासन को भेजना, जासूसी करवाना और हर चीज़ के मेरे खिलाफ एक साजिश रचना बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे भी पता चला था, मुझे भी एक झटका लगा, क्या मेरा गुनाह है युवा बेरोजगारों की आवाज़ उठाना, सच्चाई का साथ देना? आज जो बेरोजगार 22-23 दिन तक दिल्ली सड़कों पर बैठे हुए, उनके साथ जाकर मैंने आवाज़ बुलंद की, आपकी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में जो साजिशें रची जा रही है, लोगों को अब देखना, थोड़े दिन बाद लोगों को बुलाया जाएगा, मेरी जगह स्थापित करने की कोशिश की जाए, अरे कोई भी स्थापित हो जाए, लेकिन मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर, मेरी ईमानदारी पर, मेरे कार्य पर सच्चाई पर अंगुली रखी तो मैं किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मुझे जीवन जाना मंजूर हो, लेकिन ऐसे स्थिति में आप लोगों का सारा देखो, जो चिकित्सा बाकी जो प्रमुख भर्तियां है, जो सरकार ने दावा किया था कि तीसरी लहर आने से पहले कई भर्तियों को पूरा किया जाएगा, हालांकि कई भर्तियां ऐसी हैं जो पहली लहर आने के बाद जो घोषणा की गई थी 45 दिन में रेडियोग्राफर लेफ्ट टेक्नीशियन भर्ती पूरी होगी, 1 साल बीत चुका है, न रेडियोग्राफर पूरी हो पाई है न लेफ्ट टेक्नीशियन हो पाई है। 2018 की 1534 पदों पर प्रयोगशाला सहायक भर्ती अधूरी है, फार्मासिस्ट की 5 बार परीक्षा तिथि स्थगित होगी, वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई है, ईसीजी के अभ्यर्थियों को जॉइनिंग नहीं मिल पाई है, सीएचओ की वेटिंग नहीं हो पाई है। आज दुर्गति हो रही है चिकित्सा विभाग की, आज प्रदेश की जनता को बचाने का दावा किया जा रहा है, जब इनकी जॉइनिंग नहीं होगी तो ये कैसे कार्य कर पाएंगे, कैसे जनता को बचा पाएंगे? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से गुहार करने के लिए करते हुए कि चिकित्सा विभाग में सुधार होना चाहिए, जल्द से जल्द ये भर्ती पूरी होनी चाहिए, तीसरी लहर से पहले इनको नियुक्ति मिले जिससे प्रदेश की जनता बच सके। तमाम लोग जो मेरे लाइव को भी देख रहे हैं, ये शहीद स्मारक पर चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, हाथ खड़ा करने वाले देख लिए, सैकड़ों की संख्या में तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, एक इशारे से, एक ट्वीट से, एक आवाज से, लेकिन दबाने के लिए, मुझे दबाने के लिए, खत्म करने के लिए साजिशें शुरू हो गई है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, मैंने प्रदेश के हर बेरोजगार को कभी अकेला नहीं छोड़ा, हर समय उनके साथ रहा, तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब मेरे परिवार और मेरे ऊपर संकट आए तो आप लोगों को साथ देना है, क्योंकि ईमानदारी से 9 साल तक मैंने लटकाया, जेल गया, सड़क पे सोया, भूखा रहा, लेकिन किसी भी रोजगार को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि अब मुझे पता लगा, जैसे जैसे मुझे इनपुट मिल रहे हैं कि कोशिश की जा रही है मुझे खत्म करने के लिए, साजिश में फंसाने के लिए, और क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए मैं खतरा बनता जा रहा हूँ, बड़े बड़े लोग मेरे पीछे पड़े, तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि संकट में आप लोगों को साथ देना। ये तमाम लोग मेडिकल के हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चिकित्सा विभाग हॉस्पिटल।
चाहिए।